प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान आरण्य कांड। श्री राम जी का उपदेश सुन अपनी गति पाकर वह गंधर्व आकाश मार्ग में चला गया। राम जी वहां से चल शबरी के आश्रम में आए। शबरी अपने आश्रम में राम लक्ष्मण को आए हुए देख हर्ष प्रेम में मग्न हो गई। उसने दोनों भाइयों को खूब आदर सत्कार और पूजन कर उत्तम उत्तम कंद मूल फल लाकर भोजन कराया और सम्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगी, केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, केहि विधि स्तुति करो अधम जाति में गणपति भारी, अधम जाति में गणपति भारी, आपकी स्तुति किस तरह करूं, मैं नीच जाति की भिलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, इन मंद आधारी, इन महामती मंद आधारी, पाप के शत्रु स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती है तिन में मैं मंद बुद्धि की हूं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, रघुपति सुनो भामिनी माता, ने कहा, हे भामिनी स्त्री मेरी बात सुन,
मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बल परिजन कुल चतुराई, धन बल परिजन कुल चतुराई, भगति हीन नर सोहै कैसा, भगति हीन नर सोहै जल पारित देखिए जैसा, बिनो जल पारित देखिए जैसा, मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल कुटुंब बल गुण और चतुरता ये सब हो पर भक्ति न हो तो वह किस तरह शोभता है। जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभा हीन लगता है। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो सरु मन पाही, सावधान सुनो सरु मन पाही, मैं तुझसे नौ प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भगति संग न कर संगति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान,
चौथी भगति मम गुणगना करै कपट तज गान। चौथी भगति मम गुणगना करै कपट तज गान। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुखेद प्रकाशा दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। छठ दम शील वीरति बहु करमा निरत निरंतर सजन धर्मा निरंतर सजन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। सातवा सम मोहि माय जग देखा भक्ति समता प्राप्त करने, संसार को मेरा रूप जान कर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना है। आठम जाथा लाभ संतोषा सपना हो नहीं देखई पर दोषा सपना हो
लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे दोषों को न देखना आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना भरो सही हर सदा देना हरषना देना नौवीं भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में न दिन हृदय में न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना है। नव महा कऊ जिन्ह के होई नव महा कऊ जिन्ह के सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे नवो भक्ति में जिनको एक भी हो वह चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो हे भामिनी वह मुझे अतिशय प्यारा है तुझ में तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई गति योगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग्य है वही तुझे आज सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा
मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। कही कथा सकल बिलो के हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई विविध कर्म आधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग विश्वास करी कहा दास तुलसी राम पद अनुराग विश्वास करी कहा दास तुलसी राम पद अनुराग। सब कथाओं को कहा श्री राम का मुख देख उनके चरण कमलों को हृदय में रख योगा अग्नि में अपने शरीर को छोड़कर वह शबरी हरि के उस पद में लीन हो गई जहाँ से कोई नहीं लौटता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों बहुत प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत मत ये सब शोक देने वाले हैं, इन्हें छोड़ दो और विश्वास पूर्वक राम के चरणों में प्रेम करो। जाति ही नाग जन्म मही मुकुत कीन्हस नारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बिसारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बिसारे छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है तू महामंद है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।